हेलो गाइस, वेलकम टू बिग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पीवीसी के पिलर कॉक को किस तरह घर में ही रिपेयर करें, जो कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। हमने देखा कि ये बंद करने पर भी पानी इसमें से टिप टिप करके आ रहा था, एंड चालू कर रहे हैं तो बहुत कम पानी आता है। तो आप इसे किस तरह घर में रिपेयर कर सकते हैं बिना प्लम्बर की मदद से, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको आज घर बैठे इसे रिपेयर करने का आसान सा तरीका बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हम इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक पहुँचा सके। लाइक एंड कॉमेंट्स करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपने इस तरह के ब्रांडेड पीवीसी के काफ़ी हेवी आइटम्स को घर में लगा के रखा हुआ ये, तो आप इसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं घर में, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देख पा रहे हैं ये पिलर कॉक जो कि हमने घर में लगा के रखा हुआ था, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पानी बहुत कम आ रहा था या पानी टिप टिप करके आ रहा था। तो आप इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं ये भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस पिलर कॉक में देख पा रहे हैं और सोच रहे होंगे कि इसे किस तरह रिपेयर किया जाएगा। ये जो आपको ऊपर में पैकेजिंग लगी हुई दिखाई दे रही है, इस पैकेजिंग को आपको स्क्रू ड्रायर की मदद से ऊपर से निकाल लेना है। इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए, ये आसानी से ऊपर निकल जाता है। देख पा रहे हैं आप ये खुल चुका है। ये कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है। ये सेफ्टी कॉर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो अंदर में स्क्रू लगा हुआ रहता है, इस स्क्रू की सबसे बड़ी सेफ्टी रहती है पानी में रहने के कारण। कई प्रकार के इसके अंदर पानी जमा होगा, ये स्क्रू ख़राब हो जाएगा, जंक लग जाएगा, इसलिए इस तरह का सेफ्टी कॉर इसके ऊपर लगाया जाता है और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ब्रांडेड दिखाई देता है। इस तरह के आप ब्रांडेड नल को, इस पिलर कॉक को घर में लगाया है तो आप इसे किस तरह रिपेयर कर सकते हैं आज हम बताने वाले। तो इस तरह से आप इस स्क्रू ड्रायर की मदद से इसे इस स्क्रू को खोल लीजिए। इस तरह से हमने इसे खोल लिया है। इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, घर बैठे आप बिना प्लम्बर की मदद से इसे बना सकते हैं। इसे आप ऊपर खींच लीजिए क्योंकि यह काफ़ी टाइट लगा हुआ है, तो इसे खींच के ऊपर निकाल दीजिए। अभी किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसे निकालना ही है बाहर। इस तरह से हमने इस हैंडल को, लीवर को निकाल लिया है। देख पा रहे हैं कि यह पीवीसी का स्पैंडल इसके अंदर में लगा हुआ है और यह सारा पिलर कॉक का बंद और चालू करने में, ऑन ऑफ करने में इस स्पैंडल का ही काम रहता है। देख पा रहे हैं ये जो ऊपर में पीवीसी का एक कवर लगा हुआ है, इसके ऊपर स्टील पॉलिश कर दी गई है, एंड अंदर में भी ये आपको पीवीसी का ही मिलता है, जो कि पीवीसी का रहने के कारण इसमें किसी प्रकार की स्लिप प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो अब आपको इस पानी की मदद से इस स्पैंडल को पीछे की ओर घुमाते हुए खोल लेना है। इस तरह से हमने इसे इस स्पैंडल को खोल लिया है। देख पा रहे होंगे आप कि हमने इसे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से खोल लिया है, एंड इसमें किसी प्रकार का कचरा तो दिखाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि हमने इसे साफ कर लिया है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये अंदर में पीवीसी का बना हुआ सारा प्लास्टिक का बना हुआ सिस्टम है और इसमें किसी भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है क्योंकि सारा काम इस स्पैंडल का रहता है और इस वाइसर का रहता है रबर के। इस रबर के वाइसर को आपको निकाल लेना है बाहर इस तरह से, और इस रबर के वाइसर को अच्छे से पानी में धुल लेना है और इसे किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कचरा नहीं जा पाता है। यह सारा वाइसर से इस तरह ढका हुआ रहता है अंदर में, एंड अगर किसी प्रकार का कचरा चले जाए तो आप उसे एक तार, बारीक सुई की मदद से निकाल के साफ कर लीजिए। ये इन्हें ना छेड़े तो अच्छा है क्योंकि यह सिस्टम नल के हिसाब से लगाया जाता है पानी को बंद और चालू करने के लिए। इस तरह से आप इसे साफ कर लीजिएगा, एंड जिस तरह ये वाइसर लगा हुआ था उसी तरह इस वाइसर को इस तरह लगा दीजिए। अगर ये वाइसर ख़राब हो जाए, यह वाइसर
ऊपर से जो देख पा रहे हैं इतना मोटा दिखाई दे रहा है, अगर इतना मोटा ना दिखाई दे और ये ख़राब हो जाता है तो आप इस वाइसर को चेंज कर सकते हैं। मार्केट में आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। इसकी मार्केट में प्राइस वाइसर की 4-5 रुपए के करीब करीब रहती है, आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप इस वाइसर को ला के इस पेंडल में लगा सकते हैं और जिस तरह लगा हुआ था ये, आप इसी तरह फिर अंदर से इसे कपड़े से साफ़ कर दीजिए, जिस तरह हम बता रहे हैं आपको, इस तरह से आप अंदर से इसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से सुई से भी साफ़ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं अंदर के जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इस ओर, ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, किसी प्रकार का इसमें कचरा फंसा हुआ नहीं है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप जिस तरह यह लगा हुआ स्पेंडल था पहले, उसी तरह इसे लगा दीजिए। इस तरह से हमने इसे लगा दिया है एंड आपको इस पाने की मदद से इसे टाइट कर देना है। आप इसे इतना ही टाइट कर दीजिए कि स्लिप ना हो, अगर ये स्लिप होगा तो थ्रेड ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको पीवीसी का पिलर कॉक, यह ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमने इसे लगा दिया है, बिल्कुल फिक्स कर दिया है, किसी प्रकार की अब प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप इसे इस तरह लगा दीजिए। इस लीवर को इस तरह ही लगाना है जिस तरह आप बंद और चालू पानी करते हैं, उस साइड देखना है इसे और करना है। इस तरह से हमने इसे लगा दिया है एंड आपको इस स्क्रू को जिस तरह यह लगा हुआ था स्क्रू, उसी तरह इसे स्क्रू को टाइट कर देना है स्क्रू ड्रायर की मदद से। देख पा रहे हैं आप कि हमने इसे अच्छे से लगा दिया है एंड इस केप को ऊपर से ज़रूर लगाना है क्योंकि हमने बताया किसी प्रकार की गंदगी इसमें नहीं रहती है। तो इस तरह से हमने इसे घर में ही रिपेयर करके दिखा दिया आपको और घर में आप बिना प्लम्बर की मदद से किस तरह इसे ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ये भी बता दिया है गाइस। और इसे जिस तरह फिट करना है, उस फिट करने की अलग से एक वीडियो हमारे इसी चैनल पे हमने अपलोड करके रखा हुआ है कि किस तरह इसको फिट कर सकते हैं, इसको फिट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये भी बताया हुआ है। तो आप हमारे इसी चैनल पर जाके सारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं जो कि हार्डवेयर प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियोज़ सारी हमने अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी तरह की हार्डवेयर रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।